दुनिया भर से अभी कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि इसी बीच एक और डराने वाले वायरस की एंट्री हो गई। इस खतरनाक वायरस का नाम मारबर्ग है। इससे संक्रमित होने वाले लोगों में मृत्यु दर 88% तक है, यानी 100 लोगों में से 88 लोगों की जान बचा पाना लगभग असंभव होता है। मारबर्ग वायरस के संक्रमण और उसके लक्षणों के बारे में बात करते हुए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वरिष्ठ डॉक्टर कहते हैं कि मारबर्ग उसी फ्लोरिडा फैमिली का वायरस है जिसे इबोला वायरस आता है, और ये मुख्य रूप से चमगादड़ के जरिए फैलता है। इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, भयानक सिर दर्द, उल्टी के साथ खून आना, मोशन के साथ ब्लड आना, नाक से खून आना, जोड़ों में तेज दर्द, बहुत अधिक थकान और कमजोरी। फिलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वायरस के संक्रमण पर बात करते हुए डॉक्टर कहते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी में जो मारबर्ग वायरस का संक्रमण फैल रहा है, साल 2004-5 के बाद यह अब तक का सबसे तेज प्रसार है। पिछले 10 साल में इस वायरस के संक्रमण के गिने चुने मामले सामने आते थे। हालांकि साल 2004-5 में अंगोला में इस वायरस से संक्रमित होने वाले 252 लोगों की सूचना मिली, जिनमें से 227 की मृत्यु हो गई। इस वायरस को इबोला की तरह खतरनाक माना जा रहा है। ये बहुत तेजी से संक्रमण फैला रहा है। चिंता की बात है कि इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दरअसल अफ्रीकी देश के गिनी में कुछ लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके कुछ दिन बाद इनमें से 9 लोगों में एक जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, फिर इन लोगों की मौत हो गई। मारबर्ग वायरस के संक्रमण की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई। हालांकि इक्वेटोरियल गिनी के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन गांवों के लोगों में यह संक्रमण पाया गया, फिलहाल वहां किसी के जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। लोग भी क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं जो संक्रमित लोगों से सीधे जुड़ाव में रहे हैं। फिलहाल 16 लोग संदिग्ध हैं और करीब 4,300 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। खैर, वायरस के संक्रमण का डर क्या होता है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। साल 2019 के अंतिम महीनों में शुरू होकर देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले इस वायरस का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ कि अफ्रीकी देशों में मारबर्ग वायरस ने कोहरा मचा दिया। वैसे तो यह वायरस कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार जिस स्केल पर इसका संक्रमण फैल रहा है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की भी नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवद टाइम्स, नई दिल्ली।